मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मेरी ममता का समुंदर उमड़ आया है। आज अगर मेरी अपनी बेटी भी होती ना तो इतना सुख ना देती वो। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बेटी, पहले तो उसे बुलाकर लेके आ। जी सरदार अंकल। अरे उतावले मत बनो, ऐसा माल लेके आ रही हूँ कि देखते ही तबीयत हरी हो जाएगी। हाँ ओरिजिनल है। मुन्नी भाई तो कितने नाम बदल बदल के घूमती रहेगी, क्या मैं तेरे हथकंडे नहीं जानता? लंच देने के बाद थोड़ा आराम कर लेना। बहुत ही नामाकूल था वो बस वाला। पता नहीं उसकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। ध्यानचंद जी ने इस फाइनल मैच में जर्मन टीम पर पूरे 7 गोल किए। हेलो जी, जी मैं निसार बोल रहा हूँ। उस्मान, अरे बहुत दिनों के बाद याद किया। हाँ एक खास बात है, तू गुलाम नबी डार को जानता है? गुलाम नबी डार? अच्छा वो जो बहुत कंजूस के नाम से मशहूर है? हाँ हाँ वही कंजूस, वो तेरे पास आ रहा है। खैरियत है? अरे कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत जगह ये कहाँ, फिर वो यहाँ क्यों आ रहा है? नहीं निसार तू गलत समझ रहा है, दरअसल उसकी नजर तेरी दौलत पर है। मेरी दौलत पर? हाँ जिसके पास जितनी दौलत होती है उसकी दौलत की हवस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और इस बार उसकी हवस तेरे गेस्ट हाउस और तेरी दौलत को लेकर है। यार उस्मान तू पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या बात है। दरअसल वो अपने बेटे मसूद का रिश्ता लेकर तेरे पास आ रहा है। वो तेरी बहन इर्म का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगना चाहता है। अच्छा? हाँ इसीलिए अपनी बीबी के साथ आ रहा है तेरे पास। एक तीर से दो निशाने खेल रहा है वो, एक तो इरम जैसी खूबसूरत लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता है, और दूसरा जो दौलत है उस पे अपने शातिराना दिमाग से कब्जा कर लेना चाहता है। यार उस्मान तू मेरा एक काम कर, तू उस गुलाम नबी डार तक ये खबर पहुंचा दे कि मैंने इरम का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। निसार वैसे एक मशवरा दूं तो गौर करके देख, शायद मैं ही गलत समझ रहा हूँ। देख डार का बेटा मसूद पढ़ा लिखा और जवान खूबसूरत है, और अपने बाप का सारा कारोबार भी संभाल रहा है। हो सकता है वो अपने बाप की तरह बेईमान और कंजूस ना हो। तू कहना क्या चाहता है? हाँ तो तू उन्हें अपने पास आने दे, बातचीत करके देख, अगर तुझे लड़का पसंद आए तो रिश्ता पक्का कर दे, इरम भी तो शादी के लायक हो रही है। ठीक है तू आने दे उसे, मैं मिलकर तय करूंगा। अच्छा आसमान खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
निसार बेटा काम कर रहे हो? जी चाचा, दरअसल हर महीने ठहरने वाले यहाँ मेहमानों का रिकॉर्ड नथी करके महफूज रखना होता है। पता नहीं कब ये पुलिस वाले आके इंक्वायरी निकाल दें। अच्छा तो फिर तुम अपना काम कर लो। अरे नहीं चाचा, बैठिए, काम ख़त्म ही समझिए। मैं अभी इरम से कह के चाय मंगवाता हूँ। इरम तुमसे ज़्यादा होशियार है, वो देखो चाय लेकर के यहीं आ रही है। ये लीजिए पंडित चाचा, गर्मा गर्म चाय पीजिए। तुम भी तो बैठो। चाचा जी मुझे थोड़ा सा काम था। अरे छोड़ो, बैठ जाओ यहीं। लीजिए चाचा। एक बात पूछूं बेटा, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे चाचा कैसी बात करते हो, अब्बू के इंतकाल के बाद आपने हमारी कितनी मदद की है, मैं भला आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? पूछिए। इरम की शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? चाचा जैसे ही कोई ढंग का लड़का मिलेगा तो उसकी शादी कर दूंगा, तलाश कर रहा हूं। और तू कब शादी करेगा? अरे चुप क्यों हो गया? अरे चाचा आप भी कमाल की बात करते हो, कौन शादी करेगा मुझ अपाहिज से? बेटे तू इतना भी अपाहिज नहीं है, अच्छा खासा गेस्ट हाउस है, ठीक ठाक आमदनी है, पुराना पैसा भी है, अरे कमी कहाँ है बेटे? वो तो सही है, मगर फिर भी। फिर भी क्या बेटा, इरम अपने घर चली जाएगी और तू अकेला रह जाएगा, ये जिंदगी कैसे कटेगी बेटा, सोच जरा। ये बुढ़ापा किसी पे रहम नहीं करता। ओहो वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं अब कहाँ ढूंढूंगा लड़की? बेटे मैं जो हूँ, तुमने कभी आज तक कहा ही नहीं। अरे मैं तो समझ रहा था कि तुमने शादी कर ली होगी, ये तो इरम ने बताया कि तुमने शादी की ही नहीं। अरे चाचा पहले इरम को तो विदा कर लूं। मैं तेरे बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। कोई फायदा नहीं पंडित चाचा। क्यों इरम बेटी? उस्मान भाईजान भी खूब समझा कर गए थे, लेकिन निसार भाईजान किसी की सुनते ही नहीं है। भाई ये तो बहुत गलत बात है। पंडित चाचा अब शादी के बारे में क्या सोचना, यूं ही कट जाएगी जिंदगी। बेटा इरम के जाने के बाद तू अकेला रह जाएगा, इस चार दीवारी में तेरा दम घुटने लगेगा बेटा, जिंदगी अकेले नहीं गुजरती, सोच जरा। भाईजान में अचानक बदलाव कैसे आ गया? पहले तो हर वक्त मुझसे चिड़े चिड़े रहते थे, मगर अब क्या वजह हो सकती है? पहले तो बस काम काम, मगर अब तो आराम फरमाने का भी फरमान जारी कर देते हैं। कहीं पंडित चाचा के आने से तो नहीं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस्मान भाईजान भी आए पर कोई बदलाव नहीं आया था भाईजान में। कोई बात तो है जो मेरे जहन में नहीं आ रही, किससे कैसे पता करूं? पता तो करना ही पड़ेगा। भाईजान। खैरियत? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नहीं बस हल्का सा सर में दर्द हो रहा है। बोलो क्या बात है? मैं रात के खाने का इंतजाम करने जा रही हूँ, आपका खाना आपके रूम में भिजवा दूंगी, आप खा लीजिएगा और मैं काउंटर संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, आपको रूम चाहिए? बेटी तुम इरम हो? जी हाँ, मेरा ही नाम इरम है। कितनी प्यारी बच्ची है, खुदा मेरी नजरे बद से बचाए। लेकिन आंटी मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बेटी मैं तेरी चाची कश्मीर से आई हूँ। बेटी तेरे चाचा आ रहे हैं पीछे सामान लेके। जी मैं उन्हें भी अंदर भेज दूंगी। अच्छा चलिए। अच्छा अच्छा। हाय बड़ी प्यारी बच्ची है, देखना हमारे मसूद के साथ इसकी जोड़ी पूरे कश्मीर में अव्वल जोड़ी होगी। निसार इस रिश्ते को मंजूर कर ले, ये भी अपने बाप की तरह थोड़े टेढ़े दिमाग का है। मुझे नहीं पता तुम अपनी अकल का जादू उस पे कैसे चलाते हो, ये सोचना तुम्हारा काम है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इरम को अपने घर की बहू बना के लेके जाने की मेरी आरजू है बस। वही पुराना हथियार, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है पैसा, और मैं उसी हथियार का इस्तेमाल करूँगा। मतलब? मैं उसको लालच दूंगा तेरी बहन के नाम एक कोठी, 100 बीघा सेब का बाग, हीरे जवाहरात जड़े एक से एक जेवर, मैं उसकी शादी में चढ़ाऊंगा। फिर हाथी कभी ना निकल पाएगा, और फिर उसकी सारी जायदाद अपनी मुट्ठी में। क्या मियाँ, तुम फिर हमेशा की तरह अपनी नीयत खराब करके हवस का पिटारा खोल के बैठ जाते हो। इसीलिए आज तक मेरे बच्चे का रिश्ता नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान जाग चुके हैं, बस वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। और आप लोग नाश्ता कीजिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइएगा। अरे शुक्रिया जी। खुदा हाफिज। निसार आ रहा है, जरा होशियारी से बात करना। पता है बच्ची जब बात करती है तो जुबान से फूल झड़ते हैं। अल्लाह पाक मेरे बच्चे की तकदीर बन जाए बस। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, और कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत मुद्दत के बाद मुलाकात हुई आपसे। हाँ गनी की मौत के बाद अब मुलाकात हो रही है। आप लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं क्या? नहीं बेटा, अब घूमने फिरने की उम्र कहाँ, कांधे पे एक जिम्मेदारी है, बस उसी से फारिग होने के लिए आया हूँ। चाचा अल्लाह पाक आपको आपकी जिम्मेदारियों से जल्द फारिग करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा चाचा जान आप लोग यहाँ आराम कीजिए, मैं जरा गेस्ट हाउस का काम संभाल कर आता हूँ। बेटे मुझे आज शाम को ही वापस जाना है, इसलिए तुझसे कुछ बात करनी थी। थोड़ा वक्त मुझे दे देता तो मैं तुझसे बात कर लेता। ये भी कोई कहने की बात है चाचा जान? बताइए क्या बात करनी है, तब तक काम इरम संभाल लेगी। बेटे इरम बिटिया को हम अपनी बेटी बनाने के लिए आए। चाचा जान वो तो पहले से ही आपकी बेटी है, आप इतनी सी बात के लिए इतनी दूर आए हैं? वो तो हमेशा से आपकी बेटी थी और आपकी बेटी ही रहेगी। निसार तू मेरी बात को समझा नहीं। अरे तुम भी तो पहेलियां बुझा रहे हो ना। साफ साफ बात क्यों नहीं करते? हाँ हाँ मैं बात कर रहा हूँ। निसार बेटा मैं अपने बेटे के लिए इरम बिटिया के रिश्ते की बात करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तू मेरी और अपने बाप की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए हाँ जरूर कर देगा। देखिए चचा जान इरम मेरी इकलौती बहन है और वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज है, उसके सुनहरे मुस्तकबिल के लिए सोचना मेरा फ़र्ज है। बेटे ये तेरी सादतमंदी है कि तू अपने बाप की जिम्मेदारियों को इस तरह महसूस करता है। ए बेटा तुम्हारे बाप का खानदानी वकार, खानदानी रख रखाव देख कर ही अपने बेटे का रिश्ता लाए हैं। अरे मैं तो इतना जानती हूँ बेटा, अगर इरम मेरे घर की बहू बनती है तो मेरे घर को अल्लाह कसम चार चांद लग जाएंगे।
मगर चची जान, इरम का रिश्ता तो हो चुका है। जर्मन में एक लड़का है, डॉक्टर है, फिर भी आप लोग यहां आए, मुझे इस बात की खुशी है। साथ ही में इस बात का अफसोस भी कि मैं आपको इस रिश्ते के लिए मना कर रहा हूं। बेटा निसार, बड़ी उम्मीद लेकर तेरे पास आए थे। अपनी बेटी अपने वतन में अपनी नजरों के सामने रहे, इससे बड़ा सुख और कोई नहीं होता। तू मेरी बात को एक बार फिर गौर कर ले। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। आप लोग जिस नियत से यहाँ आए हैं वो मुमकिन नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ आराम कीजिए, मैं जरा गेस्ट हाउस का काम देखता हूँ। अरे पापा जी, आप सत श्री अकाल। कहिए कैसे हैं आप, और अचानक कैसे आना हुआ? अरे पुत्र, सारे सवाल एक ही बार में पूछ डालोगे क्या? मुझे ये बता, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तो कुछ परेशान नजर आ रहा है। अरे नहीं नहीं पापा जी, बस वही गेस्ट हाउस के अकाउंट्स की थोड़ी सी उलझन थी। आप बताएं, कोई खास ही बात होगी जो आप आए हैं? बिल्कुल सही पहचाना पुत्र, खास काम ही है। तो बताइए फिर वो खास बात। पहले ये बता कि मेरी लाडली कहाँ है? एक वही लाडली है आपकी। देख, बेटियां होती ही लाडली हैं। ठीक है जी, आइए उसी के सामने चल के बात करते हैं। चल पुत्र, आ उठ। लीजिए पापा जी, वो बैठिए। इरम, इरम पुत्र। सरदार अंकल, कैसी है मेरी लाडो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत अच्छा, आइए बैठिए पापा जी। आराम से। और सरदार अंकल? बढ़िया पुत्र, बहुत अच्छे। तुम सुनाओ? मैं ठीक। पापा जी कह रहे थे कुछ खास बात करनी है, लेकिन इरम को ही बताऊंगा। भाई गलत बात नहीं सार पुत्र, मैंने ये कहा था कि इरम बेटी का सामने बताऊंगा। अच्छा, अब पहेलियां बुझानियां बंद भी कीजिए पापा जी, बताइए ना कि क्या बात है। पुत्र, तुम्हारी बहन रविंदर की शादी तय हो गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है सरदार अंकल, आपने तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। हाँ जी पापा जी, बहुत बहुत मुबारक। और मैं तुम दोनों को न्योता देने आया हूँ, तुम दोनों को शादी में शिरकत करनी होगी। जी पापा जी, जरूर। पर एक बात मैं सोच रहा था कि गेस्ट हाउस का क्या करूंगा। बस इसी दिन के लिए पुत्र तेरे को बोल रहा था कि एक मैनेजर रख ले। तूने भी सारा काम इरम बेटी के सर पर छोड़ रखा है, वही संभालती है सारा काम। ओहो पापा जी, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। मैं ऐसा करूंगा कि दो दिन के लिए गेस्ट हाउस बंद ही कर देता हूँ। बस दो दिन? पूरे दस दिन के लिए आना पड़ेगा तुम्हें। उससे पहले नहीं आने दूंगा तुम्हें मैं, सारे प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे। पापा जी आप मेरी मजबूरी तो जानते ही हैं। ऐसा कर सकते हैं कि मैं इरम को 4-5 दिन के लिए भेज दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए,
आप तो समझते ही है ना गेस्ट हाउस की मजबूरी। मैं समझता हूँ पुत्र तुम्हारी मजबूरी को, समझता हूँ। मैं तुम दोनों के लिए गाड़ी भेज दूंगा, तुम आराम से आ जाना, और वापिस भी उसी गाड़ी से भेज दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया पापा जी। अच्छा पुत्र मैं चलता हूँ। ये क्या पापा जी, ना चाय ना नाश्ता और चलता हूँ। अरे पुत्र तुम्हें तो मालूम है ना कि शादी के कितने काम होते हैं, पता है ना। हम लोग इकट्ठे शादी में करेंगे नाश्ता। अच्छा पुत्र। इरम जी, अरे वाह, आप लोगों को यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठिए। हमें आपका गेस्ट हाउस इतना अच्छा लगा कि हमने सोचा कि हनीमून पे यहीं आएंगे। ये आपने अच्छा किया, यहाँ टूरिज्म भी खूब हैं, चारों ओर हरियाली, खुली हवा, खूबसूरत वादियाँ। मन करता है बस यहीं बस जाएं। रेखा, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी चलाने के लिए रुपया पैसे की तो ज़रूरत होती है, वो यहाँ कहाँ से आएगा? उसके लिए तो नौकरी दिल्ली में ही करनी पड़ेगी। ये तो है। आप इतने परेशान क्यों होते हैं मनीष भाई, मेरे पास इसका इलाज है। बताइए ना, क्या इलाज है हमारी परेशानी का? सिंपल सी बात है, जब भी आप अपने कामकाज से थक जाएं, तो दो चार दिन के लिए यहाँ आ जाइएगा, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और सेहत भी। ये आइडिया भी ठीक है। मैं सोच रही हूँ मनीष, किस गेस्ट हाउस पर एक उपन्यास लिखूं? इरम जी हमें अपनी खट्टी मीठी बातें बताएंगी। आप बहुत तेज हैं रेखा बहन। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन रेखा बहन की बात में दम है। वो कैसे इरम जी? अब देखिए ना, अगर रेखा बहन हमारे इस गेस्ट हाउस पर नॉवल लिखेंगी तो इस काम में वक्त लगेगा और आपको यहाँ जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। भाई कमाल है, मर्द तो हमेशा अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझते हैं। कितनी गलत फहमी में जीता है मर्द। क्या? मैं सही कह रहा हूँ रेखा, औरत के काम करने का तरीका हमेशा बहुत बढ़िया होता है, वो हमेशा प्लानिंग के साथ काम करती है। माशाल्लाह, गजब। मानते हो ना कि औरतों में मर्दों से ज्यादा अकल होती है? अरे साहब, हम औरतें ही हैं जो मर्दों को सही राह दिखलाती हैं, वरना। वरना क्या? वरना मर्द तो हमेशा गुमराह ही रह जाते। ऐसा नहीं है, औरतें भी मर्दों को अपने रास्तों से गुमराह करती हैं। कैसे? अपने हुस्न के जलवे से और अपने लटके झटके दिखाकर। हुस्न पर आरोप मत लगाइए मिस्टर। अरे आप लोग तो